नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही धुआंधार, जबरदस्त और फुल स्पीड वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स को सिर्फ एक एक लाइन में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेफ्टी फीचर नंबर वन इज ABS, यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ABS इस गाड़ी में लगा होता है, उसके ब्रेक व्हील्स के ऊपर एक ही सेकंड में कई बार लगते और छूटते हैं। ऐसा होने के कारण आपकी गाड़ी स्लिप नहीं होती, खासकर तब जब आप मुड़ते समय ब्रेक लगा रहे हो। फीचर नंबर टू इज EBD, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों ये वजन के हिसाब से व्हील के ऊपर ब्रेक लगाता है। जिस व्हील पे वजन ज्यादा, उस व्हील पे ब्रेक ज्यादा। ऐसा होने के कारण आपकी गाड़ी जल्दी रुकती है और स्टेबल रहती है। फीचर नंबर थ्री इज हिल होल्ड कंट्रोल। दोस्तों ये फीचर ये इंश्योर करता है कि आपकी गाड़ी अगर आप चढ़ाई पर चढ़ रहे हो तो पीछे की तरफ रोल बैक नहीं करेगी। इससे फायदा ये होता है कि जब आप एक गियर से दूसरे गियर को मूव कर रहे हो, या फिर ब्रेक गाड़ी तब कंप्लीटली रुक गई है और उसके बाद वापस से आगे मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो गाड़ी कुछ सेकंड तक अटकी रहेगी, पीछे रोल नहीं करेगी, आप पीछे खड़ी गाड़ी से टकराओगे नहीं। फीचर नंबर फोर इज हिल डिसेंट कंट्रोल। दोस्तों जब हम चढ़ाई से नीचे उतर रहे होते हैं, उस समय कई बार गाड़ी ज्यादा ओवर स्पीड हो जाती है और विच कुड रिजल्ट इन ए स्लाइटली ट्रिकी सिचुएशन, जहां पे गाड़ी इम्बेलेंस हो जाए। इसका सोल्यूशन है हिल डिसेंट कंट्रोल, जो कि ये इंश्योर करता है कि हम उतरते समय कोई स्पीड फिक्स कर सकते हैं गाड़ी की, गाड़ी इसी स्पीड से नीचे उतरेगी। फीचर नंबर फाइव इज ESP, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। ये इंश्योर करता है कि आप जिस तरफ स्टीयरिंग घुमा रहे हो, उस इनपुट से अगर आपके व्हील्स का इनपुट कुछ भी डिफरेंट हुआ तो ESP एक्टिव हो जाएगा और ये इंश्योर करेगा कि जहां पे स्टीयरिंग घुमाया है आपकी गाड़ी के व्हील्स उसी तरफ जाए, कहीं पे स्लिपेज नहीं हो। ये सारे सेफ्टी फीचर्स जो भी ब्रेकिंग रिलेटेड आते हैं उनमें काफी सुप्रीम है, ज्यादातर महंगी गाड़ियों में आता है। फीचर नंबर सिक्स इज एयरबैग्स। गाड़ी के अंदर सेंसर लगे होते हैं, अगर कोई कोलिशन होता है और कोई और ऑब्जेक्ट आपकी गाड़ी से टकराए, अगर गाड़ी पलटे, गिरे, किसी चीज के जाके खुद टकरा जाए, उस समय सेंसर्स वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं और खुल जाते हैं गाड़ी के एयरबैग्स, जो कि ये इंश्योर करते हैं कि हम गाड़ी से बाहर ना निकले, गाड़ी की कांच से ना टकराएं, गाड़ी की बॉडी से ना टकराएं और टकरा के खुद को क्षति ना पहुंचा दें। नेक्स्ट फीचर इज HBA, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट। दोस्तों रिसर्चर्स ने यह माना है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो पूरी शिद्दत से नहीं लगा पाते, चाहे सामने बहुत बड़ा खतरा हो, क्योंकि उसकी हमें प्रैक्टिस नहीं है। इस कारण से जब भी गाड़ी आपकी पैनिक सिचुएशन को डिटेक्ट करती है कि आपने जल्दी से एक्सीलरेटर छोड़ा है, तो वो जब आप ब्रेक उसके बाद लगाओगे उस ब्रेक की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा देती है, ताकि ब्रेक अपने आप थोड़ा सा ज्यादा जोर से लग जाए। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, जो कि वर्क करता है जब अचानक से एक्सीलेटर छोड़ा जाए और अचानक से ब्रेक को हिट किया जाए तो ब्रेक थोड़ा और लग जाएगा, गाड़ी जल्दी रुक जाएगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल। ये अगेन ECU मॉनिटर्ड एक सिस्टम है, जो कि ये इंश्योर करता है कि ऑफकोर्स आपके गाड़ी के ब्रेक जल्दी रखे। ये भी पैनिक सिचुएशन को ही डिटेक्ट करता है। अगर आपने जल्दी से एक्सीलेटर छोड़ा तो आपके ब्रेक पैड्स व्हील के एकदम पास में आ जाएंगे, ब्रेक लगने को एकदम तैयार, और उस समय अगर आपने ब्रेक को छुआ तो जैसे ही आप ब्रेक को टच करेंगे पैर से, ये अपने आप व्हील पे जकड़ जाएंगे। ये जो बीच का डिस्टेंस है ये कवर करती है, इंश्योर करते हैं कि ब्रेक जल्दी लगे। लास्ट सेफ्टी फीचर इज ROM, यानी कि रोल ओवर मिटिगेशन। ये इंश्योर करता है गाड़ी पलटे नहीं। अगर आपकी गाड़ी किसी मोमेंट में पलटने वाली है, ड्यू हाई स्पीड टर्निंग या फिर किसी इंक्लाइन पे हम चल रहे हैं, उस समय गाड़ी पलटने की स्थिति में आ जाती है, तो ये एक्टिव हो जाता है और इंश्योर करता है कि आपकी गाड़ी पलटे नहीं। ये इंश्योर ऐसा ऐसे करता है कि आपके कुछ व्हील्स पे सिलेक्टिवली ब्रेक की ताकत को मॉनिटर करता है, साथ ही साथ एंटी रोल बार्स की मदद से आपकी गाड़ी को पलटने से रोकता है। आज के जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए पिछले कुछ वीडियोस में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ये वीडियो का मकसद इनको सबको समराइज करना था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लर्निंग लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। सीखते रहिए, सिखाते रहिए।